Hello students, welcome back once again in this English class. Okay, in the last class what we have discussed, हमने क्या देखा था? That Aladdin को जो cave के अंदर Ebenezer ने भेजा था कि उसको lamp चाहिए था. So Aladdin को lamp ढूंढने में बहुत ज़्यादा time लग गया था. तो what had happened? Ebenezer को गुस्सा आ गया था because he thought that Aladdin उसको बेवकूफ बना रहा है कि नहीं है. So now let us move forward. Okay. So now here you can see, before Aladdin could tell his uncle about the lamp, there was a loud thud and everything went dark. So what had happened? अब यहाँ पे Aladdin uncle को ये बताने ही वाला था कि that he got the lamp, उसको lamp मिल गया. But अचानक से क्या हुआ? वहाँ पे एक loud जोर की thud, यानी कि sound, okay? Loud sound, जो किसी चीज़ के बजने की आवाज़ आती है वैसा sound आया and everything went dark. तो यहाँ वहाँ पर क्या हो गया? पूरा अंधेरा छा गया. Okay, then Ebenezer had pushed the stone and closed the entry of the cave angrily because he thought that Aladdin had taken the lamp and tricked him. अब Ebenezer ने क्या किया था? Actually में वहाँ पे अंधेरा क्यों हो गया था और ये बहुत loud sound क्यों आई थी? Because Ebenezer ने क्या किया था? जो stone उसने जादू करके, उसने जो stone appear किया था, उस stone को उसने बंद कर दिया. जहाँ से Aladdin cave के अंदर गया था, उस दरवाजा उसने बंद कर दिया stone से. ठीक है, तो entry तो cave का जो एंट्री था जहाँ से अलादीन अंदर गया था लैंप लेने के लिए, वो उसने बंद कर दिया गुस्से में, बिकॉज उसको ये लगा कि अलादीन हैड टेकन द लैंप, बिकॉज ही थॉट दैट अलादीन ने वो लैंप ले लिया और वो एवनेजर को नहीं देना चाहता और वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है ये बोल के कि मुझे नहीं मिला. सो दैट्स वाई इन एंगर एवनेजर ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया, केव का दरवाजा. ओके, सो नाउ Aladdin was trapped inside the cave. Trapped मतलब फंस जाना. Aladdin cave के अंदर फंस गया क्योंकि वो जो जहाँ से गया था वो निकलने का दरवाज़ा Ebenezer ने क्लोज कर दिया. It was dark and he was scared and hungry. अब वहाँ पर dark मतलब अंधेरा हो गया and he was scared. Obviously Aladdin एक बच्चा था, जब अंधेरा हो गया तो वो डर गया, scared मतलब डर गया. Okay, and hungry मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. He felt cold and started rubbing his head. अब उसको ठंड लग रही थी. That's why he started rubbing. जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? अपने हैंड को रब करते हैं. Likewise, Aladdin was also rubbing his hand, not realizing that he was rubbing the ring also. अब यहाँ पर ring मतलब, जब आपको पता है, अगर आपको याद हो तो जब Aladdin केव के अंदर जा रहा था तो Ebenezer ने क्या किया था? He had given a ring to the Aladdin. उसने क्या किया था? Aladdin को रिंग दिया था ये बोलते हुए कि दैट इट विल प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी रक्षा प्रोटेक्ट करेगा. तो वो रिंग उसने अपने हाथ में पहना था. तो व्हेन ही वाज रबिंग हिज हैंड, उसने उस रिंग को भी रब किया. सडनली अ जीनी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. सडनली जब क्या हो गया, अचानक से एक जिन उसके सामने क्या हो गया? अपीयर हो गया. व्हाट डू यू वांट मास्टर, आस्क्ड द जिनी. अब उस जिनी ने क्या बोला? मास्टर मीन्स मालिक, आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट, किसने बोला? ये जिनी ने बोला. एंड स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे उसने लैम्प को नहीं रब किया, उसने रिंग को रब किया है जो Ebenezer ने उसको दिया था, नॉट द लैम्प. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज रिगार्डिंग दिस. सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पोर्शन. ओके.